हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक क्वेश्चन हम एचसीएफ का ले रहे हैं, फाइंडिंग द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ हमें 375 और 825 का एचसीएफ निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड के अनुसार। आइए समझते हैं। अब हमें 375 से 825 को डिवाइड करना है, टू टाइम्स लगेगा, फिर 150 होगा। अब हम माइनस करेंगे, 5 का 5 उतर जाएगा, 2 बगल से 5 चलेगा, 12 होगा, 12 में 5 माइनस करेंगे 7 होगा, 7 7 0 हो जाएगा। अब ये जो नंबर है 375 ये यहां उतर जाएगा। अब हम 75 से 375 को डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स लगेगा। 375 में 375 को माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। इस तरह से और 825 का एचसीएफ 75 निकलता है। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ हमें 902, 1025 और 1476 का एचसीएफ निकालना है डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हम 1025 को 902 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम लगेगा, माइनस करेंगे, 5 में 2 जाएगा 3, 2 का 2 उतर जाएगा, 10 में 9 जाएगा 1। अब 902 यहां उतर जाएगा, 123 से 902 को डिवाइड करेंगे, 7 टाइम्स लगेगा, 861 होगा, फिर से माइनस करेंगे, 2 में 1 जाएगा 1, बगल से पहचान लेंगे 10, 10 में 6 जाएगा 4, 88 0। अब 123 को यहां उतार देंगे, 41 से 123 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स लगेगा, 123 में 123 को माइनस करेंगे तो यहां 0 होगा। इस तरह से लास्ट डिवाइजर 41 रह जाता है। अब हम 41 से 1476 को डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 147 में लगाएंगे, 3 टाइम्स लगेगा, माइनस करेंगे, 7 में 3 जाएगा 4, 4 में 2 जाएगा 2, 11 0, 6 यहां उतर जाएगा। इस बार 6 टाइम लगेगा, 246 हो जाएगा, 246 में 246 को माइनस करेंगे तो 0 बच जाएगा। इस तरह से और 1476 का एचसीएफ 41 निकलता है डिवीजन मेथड से। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।